जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी लोगों से रूबरू होने का मकसद यह है कि कल यानी 7 सितंबर 2022 को मैं मेरे कुछ काम से, दस्तावेज के काम से, दस्तावेज लेने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्कूल में गया था। मेरी एक पोस्ट बहुत वायरल हो रही है जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के सर्टिफिकेट के, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के बारे में है। सर्टिफिकेट भी मेरे हाथ में है ये, तो उसके बारे में कई लोग तर्क वितर्क कर रहे हैं। अभी एक न्यूज चैनल को मैंने इंटरव्यू दिया और जो बातें वहां पर हुई, तो वो बातें मैं आपको हिंदी में यहाँ पर बताऊंगा क्योंकि वो मराठी में हुई है, तो बहुत सारे लोग इसे जान नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारे कहने के बजाय सभी लोग यही जानते हैं, मानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को अम्बेडकर, ये नाम बाबा साहब अम्बेडकर जी के उनके गुरु जी ने दिया जो ब्राह्मण थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी एक ब्राह्मण शिक्षक ने अपना नाम उनको दे दिया और उनको अम्बेडकर ये नाम लगा दिया। आज तक सभी लोग यही जानते थे और मैं भी कई सालों पहले तक यही मानता था कि अम्बेडकर गुरु जी थे, ब्राह्मण शिक्षक थे बाबा साहब को, और बाबा साहब के शिक्षक ने बाबा साहब को ये नाम दिया। मेरे कई ब्राह्मण दोस्त भी है, वो भी यही क्लेम करते हैं कि हमने ही बाबा साहब को ये नाम दिया, तो हम बाबा साहब के गुरु हैं। मैंने एक VHP विश्व हिंदू परिषद के पेज पे एक पोस्ट पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि अगर आपको अम्बेडकर बनना है या विद्वान बनना है तो अपना गुरु ब्राह्मण चुनना पड़ेगा, ब्राह्मण रखना होगा, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना गुरु ब्राह्मण बनाया था। तो आज ये एक बात आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये बात बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को अम्बेडकर ये नाम किसी ब्राह्मण ने नहीं दिया, किसी ब्राह्मण ने नहीं दिया, बल्कि ये उनके पिता सूबेदार मेजर रामजी अम्बेडकर की सोची समझी पहल थी। ये किसी ब्राह्मण शिक्षक ने ये नाम नहीं दिया, और इसकी सारी जानकारी, इसके सारे प्रूफ मेरे पास है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का गांव, मूल गांव जो जिसे कहते हैं, वो आज भी महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में मंडनगढ़ तालुका में अंबड़वे, ये गांव आज भी है जहां पर रामजी बाबा का स्मारक है। लोग 2 फरवरी को महाराष्ट्र से, देश भर से लोग वहां पर रामजी बाबा को नमन करने के लिए जाते हैं। तो आज भी वो गांव वहां पर है। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिताजी ने वो गांव छोड़ा, तब उन्होंने एक निर्णय लिया, एक डिसीजन लिया कि सकपाल जो उनका सरनेम है, ये सरनेम से जाति का पता चलता है, और इसलिए जाति सूचक नाम हमें अब छोड़ने होंगे, क्योंकि जाति सूचक नाम लगाकर हम अगर गए तो हमारे साथ जातिवाद होता है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिताजी ने, यानी आप जैसे जानते हो कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों को खत्म करने की बाबा साहब ने पूरी प्लानिंग की, ये कहीं और से नहीं, ये बाबा साहब के पिताजी से उन्होंने ये प्रेरणा ली। बाबा साहब ने बाबा साहब के पिताजी से प्रेरणा ली और सबसे पहले जाति को खत्म करने का काम रामजी बाबा ने किया। अपना सरनेम उन्होंने अपने घर से शुरुआत की कि जब तक मैं जाति लगाऊंगा तब तक ये खत्म नहीं होगी, इसलिए सकपाल ये जाति सूचक नाम, ये सरनेम बाबा साहब के पिताजी ने त्याग दिया और उस गांव का नाम अपने नाम के पीछे लगाया। गांव का नाम आज भी अम्बड़वे है। और महाराष्ट्र में ये पद्धत है कि गांव के नाम पर अपना सरनेम करते हैं। जैसे अगर कोई, महाराष्ट्र में एक जिला है जलगांव, अगर कोई व्यक्ति जलगांव का है तो वो अपने नाम के पीछे जलगांव कर लगा देता है, तो वो बन जाता है जलगांव कर। हमारे यहां पर एक शहर है कल्याण, तो कल्याण के लोग अपने नाम के पीछे कर लगाकर बन गए कल्याण कर। ऐसे जितने भी कर लगाए हुए लोग हैं, ये अपनी जातियों को छोड़कर ये अपने गांव का नाम लगाते हैं। और सबसे ज्यादा कर लगाने की पद्धत, सबसे ज्यादा अपने नाम के पीछे कर लगाने की जो पद्धति है, ये ब्राह्मण सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ब्राह्मण कभी भी अपना नाम, वो जाति या वो ब्राह्मण है, ये कभी जाहिर नहीं होने देता, जो जो छुप कर काम करता है, तो वो अपने नाम के पीछे कर लगा देते हैं। तो
उसी तरह से बाबा साहब के पिताजी ने अपने नाम के पीछे गांव का नाम लगा दिया, जैसे राम जी अंबाडवे और उसके आगे कर, तो बन गए राम जी अंबाडवे कर। अब अंबाडवे कर ये नाम बोलने के लिए टंग ट्विस्टर है, बोलने के लिए ये आसान नहीं है, और इसलिए जब इसका रिकॉर्ड बनाया गया तब इसको अंबेडकर सीधा कर दिया गया, जो अंबा डवेकर हुआ करता था उसे अंबेडकर कर दिया। और इसका सबूत, सबसे बड़ा सबूत यह है कि किसी ब्राह्मण गुरुजी ने बाबा साहब को नाम नहीं दिया। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि बाबा साहब की एडमिशन सातारा के स्कूल में, उस समय उस स्कूल का नाम हुआ करता था सातारा एलिमेंट्री स्कूल, जो मैंने कल फेसबुक लाइव पे उस स्कूल के अंदर से ये नाम आपको बताया, और फिर उसका आगे नाम चलकर छत्रपति श्रीमंत प्रताप सिंह हाई स्कूल, इस तरह से वो नाम प्रताप सिंह महाराज पर, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं उनके नाम पर वो नाम पड़ा। लेकिन बाबा साहब का जब एडमिशन हुआ तब उस स्कूल का नाम था सातारा एलिमेंट्री स्कूल। और सबसे बड़ी जानकारी यह है कि बाबा साहब का एडमिशन हुआ 1900 में, 1900 में, और उससे 5 साल पहले 1885 में उनके बड़े भाई यानी मेरे सगे परदादा, इनका एडमिशन हुआ, और उनका एंट्री जो रजिस्टर होता है, स्कूल रजिस्टर होता है, उस स्कूल रजिस्टर में उनकी एंट्री है आनंदा राम जी अंबेडकर। तो इस तरह से ये नाम बाबा साहब से भी पहले बाबा साहब के पिताजी ने अपने बड़े बेटे आनंद आनंद राव अंबेडकर के, आनंद राव जी के नाम के आगे अंबेडकर लगाया। और एक सबूत मुझे लंदन में मिला। लंदन में जब मैं फर्स्ट टाइम गया तब हमारे अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन और कास्ट वॉच यूके के हमारे साथी है शेखर बोधकर जी, शेखर बोधकर जी और सतपाल ममन जी ने मुझे एक डॉक्यूमेंट बताया, राइटिंग ए स्पीचेस, जिसमें रामजी बाबा का उल्लेख ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स में रामजी अंबेडकर के नाम से है। एक ब्रिटिशरों का लेटर है बाबा साहब के पिताजी के नाम पर, उसमें उनके नाम का उल्लेख किया गया है रामजी अंबेडकर। तो ये एक 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 बहुत बड़ा मिथ, एक बहुत बड़ी काल्पनिक बात बाबा साहब के जीवन से जोड़ दी गई है कि बाबा साहब को कोई ब्राह्मण गुरुजी था और उस गुरुजी ने बाबा साहब को अपना नाम दिया। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, ये किसी ब्राह्मण ने नाम नहीं दिया, ये बाबा साहब के पिताजी की देन है। बाबा साहब के पिताजी का कर्तृत्व को हम मिटा रहे हैं और किसी काल्पनिक ब्राह्मण को वहां पर बिठा रहे हैं। ये बाबा साहब के पिताजी के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। बाबा साहब को किसी ब्राह्मण शिक्षक ने ट्रेन नहीं किया, किसी ब्राह्मण शिक्षक ने उनको दिशा नहीं दिखाई, ये दिशा बाबा साहब के पिता ने, राम जी अम्बेडकर ने बाबा साहब को ये दिशा दिखाई है, और इसलिए ये जो देन है ये बाबा साहब के पिताजी की है, किसी ब्राह्मण की नहीं है। आज भी ये गांव महाराष्ट्र में है, आप कभी भी जाकर वहां पर विजिट करके आ सकते हो। बल्कि जैसे ही बाबा साहब ने, राम जी बाबा ने सकपाल ये नाम खत्म कर दिया, वैसे ही उस गांव के लोगों ने भी सकपाल ये सरनेम छोड़ दिया, और कितने सारे वहां के जो लोग हैं वो अपने पीछे अंबेडकर नाम लगाते हैं, अपने पीछे अंबेडकर नाम वो लगाते हैं क्योंकि बाबा साहब के पिताजी ने सकपाल ये सरनेम छोड़ दिया था। तो आज बहुत लोग ये नाम लगा रहे हैं, और कई लोग ये स्कूल छोड़ने का ये प्रमाण पत्र मेरे हाथ में है, ये बना 7 7 सितंबर 2022 की डेट है, देखिए आप मेरे हाथ में है ये डेट, 7 सितंबर 2022 की ये डेट है। इससे पहले ये डॉक्यूमेंट, ये जो कई लोग पूछ रहे थे तो सॉरी कई लोग पूछ रहे थे तो बाबा साहब फर्स्ट टू फोर्थ यहाँ थे, तो ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है ये स्कूल ने उस समय बनाया था, उस समय बनाया था, और शायद वो उस समय बाबा साहब फिर एल्फिंस्टन स्कूल गए तो शायद वहां दिया होगा, लेकिन उस
उसके बाद ये डॉक्यूमेंट आज तक रिकॉर्ड पर नहीं है, बाबा साहब का स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट आज भी रिकॉर्ड पर नहीं है। इसलिए इस स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के बारे में समझाने आ रहा हूं कि बहुत लोग मुझे क्वेश्चंस इनबॉक्स में कर रहे हैं को बाकी का ये क्यों नहीं लिखा है, जात की जात लिखी है, धर्म नहीं लिखा है। तो ये फॉर्मेट जो है लिविंग सर्टिफिकेट का, गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का आज ये फॉर्मेट है। देखिए यहाँ पर भारत की राज मुद्रा है, तो ये कोई डॉक्यूमेंट जाली या मैंने बनाया हुआ नहीं है, भारत की राजमुद्रा यहां पर है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इंडियन गवर्नमेंट का। उस समय 1900 में जब स्कूल रजिस्टर बना करता था तब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं था, वहां पर सिर्फ नाम लिखा जाता था। जो उस समय 1900 में जो एंट्री की गई है वो सारी एंट्री इस पर है, यानी उस समय नाम लिखा गया है। एक हमारे शुभम, मैं उनका नाम लेकर बताना चाहता हूं, उन्होंने मुझे पोस्ट किया, सर ये भिवा क्या है। बहुत लोग शायद आज के पीढ़ी के लोग उनको पता नहीं होगा कि ये भिवा क्या है। बाबा साहब के नाम चार बार बदले गए हैं। बाबा साहब का बचपन का नाम था भिवा, तो बचपन में जो नाम रखा गया था 5 साल में ऑब्वियसली वही नाम स्कूल में गया, तो भिवा ये नाम चेंज हुआ। भिवा से हुआ भीवराव, भीवराव, भीवराव से हुआ भीमा, और भीमा से हुआ भीमराव। तो इस तरह से 4 बार तो बाबा साहब के नाम चेंज हुए हैं, और बाबा साहब का सरनेम भी चेंज हुआ है, अंबा डवेकर से हुआ अंबेडकर। तो ये बाबा साहब का स्कूल लिविंग के बारे में कहना चाहता हूं। विद्यार्थी का नाम यहां लिखा हुआ है भिवा, भिवा यानी 2017 का एक जीआर गवर्नमेंट को निकालना पड़ा, जो स्कूल के मुख्याध्यापक ने मुझे दिया है कि भिवा इज, भिवा का मतलब ही भीमराव है, ऐसा एक जीआर दिया गया है। क्योंकि स्कूल रिकॉर्ड चेंज नहीं होता, जो आपके 1900 में जो एंट्री है वही एंट्री इस पर होगी, इसमें एक भी कॉमा चेंज नहीं होगा, फुल स्टॉप चेंज नहीं होगा, मात्रा चेंज नहीं होगी, कुछ चेंज नहीं होगा। ये 1900 का डॉक्यूमेंट है, सिर्फ इसको वापस बनाया गया है 7 सितंबर 2022 को। इसलिए जो एंट्री 1900 में की गई थी वही एंट्री इस पर है। तो ये एक डॉक्यूमेंट आज रिकॉर्ड पर आ रहा है, और मुझे अभिमान हो रहा उस स्कूल में जाते समय कि जिस स्कूल के बाहर, मैंने आप लोगों को फेसबुक लाइव से बताया कि जिस स्कूल के बाहर बाबा साहब बैठते थे और बैठकर जिस स्कूल से बाबा साहब ने पढ़ाई की, आज वो स्कूल के बाहर बैठकर बाबा साहब ने हमें स्कूल के अंदर, आज हमारे बच्चे ऐसी स्कूल में पढ़ते हैं केवल और केवल बाबा साहब की वजह से। मैं ये डॉक्यूमेंट निकालने के लिए इसलिए गया था, ये भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं, मुझे ये जरूरत क्यों पड़ी। मेरा भतीजा है, मेरे भाई का बेटा है, 10वीं पास हुआ इस साल। अब बहुत सारे बच्चे 10वीं, अभी जून में रिजल्ट आए, मेरे भतीजे का भी रिजल्ट आया, और रिजल्ट आने के बाद ऑब्वियसली स्कूल लिविंग उसको लेना है। अब स्कूल लिविंग लेने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक अधिकारी है, बुद्धिस्ट अधिकारी है, अपने आप को बुद्धिस्ट कहता है। ऐसे नालायक लोग हमारे समाज में भी है जो अधिकारी बने बैठे हैं, आईएएस ऑफिसर बन गए हैं। उन्होंने एक जीआर निकाला, महाराष्ट्र सरकार के एक मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाला, और जीआर निकाल कर कहा कि बौद्धों की जात उनकी मेंशन करनी है। देखिए मेरी जब एंट्री हुई, मेरा जब एलसी बना, स्कूल लिविंग बना, तब मेरे नाम के आगे सिर्फ बुद्धिस्ट लिखा हुआ है, ना तो महार लिखा हुआ है, ना हिंदू लिखा हुआ है, ना किसी जाति का वहां पर मेंशन है, सिर्फ बुद्धिस्ट लिखा हुआ है। अब स्कूल हमारे बच्चों को एलसी देने के लिए वो कहते हैं कि आपकी जात लिखेंगे। मैंने कहा कि मेरे एलसी पर जात नहीं लिखी, मेरे बच्चों के एलसी पर क्यों लिख रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा जीआर है। अब जीआर है तो हमें, हम वैसे दे नहीं सकते। मैंने कहा कि हमें जात नहीं लिखनी, तो उस स्कूल ने मेरे भतीजे को रिलीजन के कॉलम में हिंदू लिखकर उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया। सोचिए जिस महामानव ने बौद्ध धर्म की दीक्षा इस भारत में दी, उसी परिवार के लोगों को भारत सरकार हिंदू लिखवा रही है। कितना, यानी अगर ये अंबेडकर परिवार के साथ हो रहा है तो सोचिए हमारे आम लोगों के साथ क्या हो रहा होगा। आज ऑफिशियली इस देश में बौद्धों की संख्या कम इसलिए हो रही है क्योंकि प्रशासन हम लोगों को हिंदू लिख रहा है।
अंबेडकर फैमिली भी इससे छुट्टी नहीं है। और जब हमने उस स्कूल प्रशासन को आंदोलन करने की वहां पर हमने धमकी दी, तब उन्होंने कहा कि हम अभी तो आपको बुद्धिस्ट लिखकर दे रहे हैं, लेकिन इस 2 साल में अपने हमको कन्वर्टेड बुद्धिस्ट का दाखला नहीं दिया तो हम आपको हिंदू लिखकर फिर से एलसी जनरेट करेंगे, ये एलसी कैंसिल करेंगे और हिंदू एलसी देंगे। और तब अभी मैंने अपनी जाति का दाखिला सर्टिफिकेट नहीं निकाला है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं निकाला है, तो मेरा ही नहीं है तो मेरे बच्चों का कहां से होगा। अब अगर मुझे निकालना है तो मुझे 1950 के डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे। अब 1950 के डॉक्यूमेंट्स हम 4 साल पहले के डॉक्यूमेंट्स नहीं रखते, 1950 के डॉक्यूमेंट्स कहां से लाएंगे। मेरे पिता का जन्म 1950 का है, मार्च महीने में, 25 मार्च का राजगुरु में मेरे पिताजी का जन्म है। तो मैंने सोचा पिताजी के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके हम कास्ट सर्टिफिकेट निकालेंगे। तो 1950 के डॉक्यूमेंट्स जमा करने का प्रोसेस में कर रहा था और तब पता चला कि पिताजी की स्कूल ही बंद हो गई है। अब वो स्कूल में से मैं एलसी कहां से लेकर आऊं, जो स्कूल ही अब वहां पर है ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा पिताजी का स्कूल तो नहीं है, कम से कम दादाजी का स्कूल कहां पर है वो ढूंढे, यानी मुकुंद राव जी का। तो मुकुंद राव जी की भी स्कूल वहां पर मुझे मिली नहीं। तो फिर मेरे एक कार्यकर्ता है कोल्हापुर के, सुभाष देसाई नाम के, तो सुभाष देसाई ने कहा कि सर कहां इधर उधर भटक रहे हो, यहां बाबा साहब के स्कूल में मैं अपने आंखों से बाबा साहब का रजिस्टर देखकर आया हूं, बाबा साहब का एलसी आपको सातारा के स्कूल से मिल जाएगा। और उन्होंने अपना सारा काम छोड़कर वो स्कूल में गए और स्कूल से हेड मास्टर से मेरी बात करवाई। उन्होंने कहा कि हम ये दाखिला सिर्फ फैमिली मेंबर को दे सकते हैं, किसी और के हाथ में हम नहीं देंगे, और इसलिए आपको खुद यहाँ पर आना पड़ेगा। और फिर मैं सुभाष देसाई जी ने मुझे मैसेज दिया कि सर ये दाखिला आपके अलावा किसी को नहीं मिलेगा, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। तो मैं मेरे सारे काम छोड़कर मैं 7 सितंबर की डेट मैंने उनको दी और फिर मैं स्कूल में गया। स्कूल में जाने के बाद मैंने जब मेरे सामने वो ये एलसी भरने लगे, मुझे लगा मुझे जेरोक्स कॉपी दे देंगे, जेरोक्स कॉपी भी मुझे चल जाएगी। तो मैंने उनको पूछा आप मुझे ओरिजिनल क्यों दे रहे हो, ये ओरिजिनल लिखा हुआ है, ये कोई जेरोक्स कॉपी नहीं है। तो मैंने उनको पूछा कि आप मुझे ओरिजिनल क्यों दे रहे हो, जेरोक्स नहीं है। तो उन्होंने कहा जेरोक्स ओरिजिनल ही किसी के पास नहीं है, तो जेरोक्स हम उसकी दे नहीं सकते, इसलिए आपको डुप्लीकेट हम ये बनाकर दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ये फिर से बनाकर दिया और मैंने उनको पूछा क्या मेरे पहले, यानी मैं तो भी बाबा साहब के बाद की 3rd जनरेशन हूं, बाबा साहब के बाद यशवंत राव थे, मुकुंद राव थे, उनके बाद मेरे पिताजी थे, प्रकाश अंबेडकर जी उनके पोते हैं वो थे, अब उनके बाद मेरी जनरेशन आती है। तो मैंने पूछा क्या मेरे पहले के 2 जनरेशन कभी ये डॉक्यूमेंट लेकर नहीं गई। तो उन्होंने कहा नहीं, इससे पहले कोई आपके परिवार से आया ही नहीं। और मैंने पूछा ठीक है हमारे परिवार से नहीं आया, लेकिन इतना बड़ा दस्तावेज भारत सरकार ने भी आपसे नहीं लिया। तो उन्होंने कहा कि हमें हमारे पास तो कई सारे RTI एप्लीकेशंस है, लेकिन ये दस्तावेज कॉन्फिडेंशियल होता है और इसलिए हम ये किसी को नहीं दे सकते, प्रधानमंत्री भी अगर ये मांगे तो भी हम इसको नहीं दे सकते, क्योंकि ये सिर्फ परिवार को ही, परिवार के मेंबर को ही दिया जाता है। और उन्होंने मुझे बताया कि हमने आपकी भी पूरी इंक्वायरी की, आपकी भी फैमिली ट्री हमने पूरी जांची, जब हमें विश्वास हुआ कि आप बाबा साहब के फैमिली से है, इसलिए हमने आपको यहां पर ये डॉक्यूमेंट आपको दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ये डॉक्यूमेंट दिया और मैंने उनको कहा कि अगर बाबा साहब का है तो फिर आनंद राव जी का भी होगा। उन्होंने कहा हाय हमने खुद देखा हुआ है। तो उन्होंने मुझे आनंद राव जी का भी डॉक्यूमेंट बताया और उन्होंने कहा बाबा साहब से पहले 5 साल पहले आनंद राव जी की एंट्री है 1885 की, और आज वो सारा डॉक्यूमेंट वो तैयार कर रहे हैं। और आनंद राव जी का भी इस तरह का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अगर क्योंकि उनको वो ओरिजिनल ट्रेस नहीं हो रहा है, 1885 का डॉक्यूमेंट ट्रेस नहीं हो रहा है, उनके पास जेरोक्स है, इसलिए वो कह रहे हैं कि जेरोक्स से हम एलसी नहीं तैयार कर सकते, जब तक उनका ओरिजिनल नहीं मिलता तब तक, इसलिए कम से कम मुझे वो स्कूल रजिस्टर से काम चलाना पड़ेगा, लेकिन मुझे ये डॉक्यूमेंट भी इनफ है, तब जाके मैं अपने बच्चों के कन्वर्टेड बुद्धिस्ट के डॉक्यूमेंट्स बना सकता हूँ। और इसलिए
ये डॉक्यूमेंट मुझे हासिल हुआ, ये डॉक्यूमेंट इतना वायरल हो रहा है। कल मैंने जब इसको पोस्ट किया तुरंत मैंने इसे हटा दिया, मुझे थोड़ा डर था कि इसका मिसयूज ना हो, इसलिए तब जब मैंने बाकी लोगों से बात की तब मैंने सर ने कहा कि उसके ऊपर आप कुछ लिख दो तो वो मिसयूज नहीं होगा, इसलिए फिर मैंने उसके ऊपर एम्बॉस करके नाम डाल दिया है तो उसका मिसयूज नहीं होगा। तो इस तरह से मैं ये आप लोगों के सामने, ये एक बाबा साहब का दस्तावेज है। और एक दस्तावेज है, मैं कभी बाद में लाइव आकर, मेरे अभी कबोर्ड में है, अंदर है, अभी उठूंगा तो ये सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। और एक हमें आभार मनना है सतपाल ममन जी का। सतपाल ममन जी अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन यूके में रहने वाले हैं और वो ब्रिटिश लाइब्रेरी के और ब्रिटिश म्यूजियम के अब वो मेंबर बने हैं। और जैसे ही वो मेंबर बने उन्होंने बाबा साहब के डॉक्यूमेंट्स निकालने का काम किया है। और उन्होंने मुझे लंदन से रिटर्न आते समय बाबा साहब के दो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जो आज भी भारत सरकार के पास नहीं है या अभी भी रिकॉर्ड पर नहीं है, वो अब मेरे पास है। वो तुरंत मैं अभी भारत सरकार हो या राइटिंग एंड स्पीचेस की जो कमेटी बनी है उनको दे दूंगा ताकि ये रिकॉर्ड में आए और लोगों के पास जाए। बाबा साहब अंबेडकर जी की ब्रिटिश लाइब्रेरी की एंट्री लाइब्रेरी कार्ड, जैसे आप लोग कॉलेज में जाते हो तो स्कूल का कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड के साथ लाइब्रेरी आइडेंटिटी कार्ड होता है, लाइब्रेरी कार्ड होता है, उस तरह बाबा साहब का लाइब्रेरी कार्ड मुझे सतपाल ममन जी ने दिया। और बाबा साहब ने लाइब्रेरी कार्ड के लिए ब्रिटिश म्यूजियम और ब्रिटिश लाइब्रेरी का मेंबर होने के लिए जो एप्लीकेशन लिखा था वो एप्लीकेशन की कॉपी और बाबा साहब का रिकमेंडेशन, बाबा साहब को रिकमेंडेशन किया है कि बाबा साहब मेरे स्टूडेंट है, ओनर स्टूडेंट है, उनको ब्रिटिश लाइब्रेरी का एक्सेस मिलना चाहिए और बाबा साहब को एडमिशन देना चाहिए, ऐसा एक लेटर, रिकमेंडेशन लेटर उन्होंने मुझे दिया। ये दो डॉक्यूमेंट मैं अपने फेसबुक पेज पे शेयर करूंगा। तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक दस्तावेज है जो हमारे पास रिकॉर्ड पे होना चाहिए। मैं आज की जनरेशन को, मैं आज से 60 साल वालों के लिए, 70 साल वालों के लिए मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आज जो 19 साल का है, 18 साल का है या जो बच्चा आज 5 साल का है, उसको हमेशा याद रहना चाहिए कि बाबा साहब को अंबेडकर ये नाम किसी ब्राह्मण ने नहीं दिया, ये उनके पिताजी ने दिया हुआ नाम है। और बाबा साहब के पिताजी की जगह किसी ब्राह्मण को बिठाने का काम मत करो। जो काम राम जी ने किया हुआ है, जो काम राम जी बाबा का है, वो अधिकार मत छीनो। और बाबा साहब के पिताजी का, उनका जो काम है उसको हमेशा याद रखो। बस इतना ही मैं आज लाइव आकर कहना चाह रहा था, क्योंकि अभी जो इंटरव्यू हुआ वो मराठी में हुआ तो मराठी का वीडियो आप लोगों, शायद मेरे नॉर्थ साइड के लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं ये लाइव आकर फिर से ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो आप लोग हमेशा ये याद रखिए, ये तो मेरे रिकॉर्ड के लिए है, ये मेरे रिकॉर्ड के लिए है, तो फिर भी मैंने ये आपको दिया है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का सरनेम ये बाबा साहब के पिताजी ने दिया हुआ है। तो ये एक सब्जेक्ट आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया था। और एक आने वाले समय में राम जी अम्बेडकर जी का चरित्र जल्दी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है, कम से कम 1500 किताबें पढ़ी है, 1500 किताबें, ये मेरे पास शायद इसकी कॉपी यहीं पर होगी, ये पूरी कॉपी तैयार की है बाबा साहब के पिताजी के चरित्र पर। और ये सारी बातें मैंने इसलिए रिसर्च कर पाया हूँ, इसलिए ये बातें सामने ला पाया हूँ, क्योंकि ये राम जी अम्बेडकर जी का जो काम है वो छुपना नहीं चाहिए, वो हटना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोगों को ये काम भी करना है। तो आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।